गौ तस्करों से मुठभेड़ हुई जिसमें पुलिस ने 3 गौ तस्करों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। साथ ही उनके कब्जे से एक कंटेनर से 20 गौवंश भी बरामद किए जो राजस्थान की तरफ ले जाए जा रहे थे। बरसाना में कंटेनर में फर्जी नंबर प्लेट लगाकर आगरा के अचनेरा से 20 गौवंश को नशीला पदार्थ खिलाकर राजस्थान को गौ तस्करी को ले जाते गौ तस्करों की मुठभेड़ पुलिस से हो गई। मुठभेड़ के बाद पुलिस ने 3 गौ तस्करों को मय गौवंश सहित पकड़ लिया। तस्करों से एक तमंचा नशीला पाउडर भी बरामद किया। रात्रि में हाथिया चौकी पर चेकिंग के दौरान भागे कंटेनर को प्रभारी निरीक्षक आजाद पाल व SI चमन कुमार शर्मा, SI अर्जुन राठिया ने पुलिस टीम के साथ कामा बॉर्डर पर गौ तस्करों से मुठभेड़ हुई। दोनों तरफ से कई राउंड फायरिंग होने के बाद पुलिस ने भागते गौ तस्कर जावेद पुत्र खुर्शीद निवासी उटावर थाना उटावर जनपद पलवल हरियाणा उम्र 29 वर्ष को पकड़ा। पकड़े गए गौ तस्कर से एक 315 बोर का तमंचा, 3 जिंदा कारतूस, 4 खोखा कारतूस, 315 बोर व 470 ग्राम नशीला पदार्थ एल्प्राइजोलम के साथ कंटेनर रजिस्ट्रेशन नंबर UPSC BT 82 चेजेस नंबर व इंजन नंबर जिंदा गौवंश से जिस पर फर्जी नंबर प्लेट जिन पर रजिस्ट्रेशन UPSC BT 82 पुलिस ने बरामद गौवंशों को श्री चंद्रशेखर बाबा की गौशाला आज नौक में सुपुर्द किया। पूछताछ में खुर्शीद ने पुलिस को बताया, हमारा एक गैंग है जो कबीर की देखरेख में गौक्षी करता है। गाय को आटे में नशीला पदार्थ खिलाकर बेहोश करने के बाद ट्रक में लादकर यूपी से राजस्थान ले जाते हैं। प्रभारी निरीक्षक आजाद पाल सिंह ने बताया कि गैंग काफी दिनों से सक्रिय है, अनेकों बार पुलिस को चकमा देकर भागने में कामयाब हुए। इस बार ये पुलिस मुठभेड़ में पकड़े जा चुके हैं। 3 भागे गौ तस्करों की तलाश भी की जा रही है। DD शर्मा, मथुरा, समाचार 24। कल दिनांक 25/5 को बरसाना पुलिस द्वारा कामा बॉर्डर पर लगभग 7:30 बजे एक कंटेनर ट्रक पकड़ा गया जिसमें 3 व्यक्ति मौके पर मौजूद मिले। ट्रक में 20 गौवंश थे जिनको जो है गौशाला में रखाया गया तथा पकड़े गए व्यक्ति जावीद सन ऑफ खुर्शीद के पास से एक अवैध असला 315 वोल्ट तथा 470 ग्राम नशीला पाउडर बरामद हुआ तथा शेष 2 अभियुक्त हीमा सन ऑफ गोपी, छोटू सन ऑफ बुद्धू निवासी अजमेर गिरफ्तार किए गए हैं। ये सभी गौवंशों को काटने के लिए हरियाणा ले जा रहे थे, इनको गिरफ्तार कर लिया गया है। अभियुक्त पंजीकृत करके न्यायालय पेश किया जाएगा।